बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्यादा का अपमान करने और दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाने का घिनौना काम किया है, ऐसा मुस्लिम ब्रदरहुड के कार्यकर्ताओं ने कहा। देश की एकता और अखंडता में खलल डालने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। उस समय भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के बानी, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी, अशब्द, उस मलून और बेहया औरत ने की है, उसके वक्तव्य को देखते हुए पूरे देश के अंदर में जो भावनाएं निर्माण हुई हैं और जिस तरीके से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया गया है और देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह से जो घटना घटी है, विशेष तौर पर कानपुर में जो घटना घटी है, ये सब घटनाओं के पीछे अगर कोई सूत्रधार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नूपुर शर्मा है, नूपुर शर्मा का वो वक्तव्य है। इसको लेकर आज वर्धा सेकुलर फोरम के ओर से ये एक धरना प्रदर्शन यह आज रखा गया था। इसमें मुस्लिम समाज के सभी मान्यवर, सभी जन समुदाय ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर सहयोग दिया और नूपुर शर्मा के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उनको यहाँ पे उपस्थित सभी मस्जिद के इमाम और यहाँ के वर्धा के रहने वाले सभी नागरिक, इस विषय के बारे में वर्धा सेक्युलर फोरम की तरफ से जो भी उनकी भावनाएं थी, जो भी उनकी बातें थी, इसके बारे में हमारा उनके साथ कल बैठ के विस्तृत तरीके से डिस्कशन हो चुका है। मुझे यकीन है कि वर्धा की आवाम इससे पहले भी और इसके बाद भी हर एक मैटर में पुलिस प्रशासन रहे या जिला प्रशासन रहे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते आ रही है और आगे भी काम करेंगी। ये जो मसला था और जो ये टॉपिक था काफ़ी संवेदनशील था और आस्था से जुड़ा था। हमने लोगों की भावनाओं को समझा और इसीलिए हमने ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट की कि धूप काले का भी दिन है और बाकी सब चीज़ें जो पिछले हफ्ते से हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए आपकी रैली कैंसिल करके आप हमें एक जगह पे बुलाइए, हम प्रशासन की तरफ से वहाँ पे आएंगे और आपका निवेदन ले लेंगे। वर्धा सेक्युलर फोरम के सभी लोगों ने उसको मंजूरी दे दी और आज हम यहाँ पे तहसीलदार साहब के साथ आके आपका डेप्यूटेशन हमने स्वीकार किया है। ये डेप्यूटेशन हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और इसके बारे में जो भी अपडेट्स रहेंगे वर्धा सेक्युलर फोरम के जितने भी कार्यकर्ता है उनको वो अपडेट दी जाएंगी। धन्यवाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।